हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर स्टडी यूनिट। टुडे वी आर नाउ गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेट डी। जैसे आपको पता होगा कि कुछ टाइम से हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की प्रैक्टिस पेपर की कुछ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज इस सेट डी का, MCQs है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। वो होते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। रोल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और रोल्स लॉ का नियम क्या कहता है, रोल्स लॉ का नियम कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट पी ऑफ एक्स बी। ये अपने पास क्या होता है, रोल्स लॉ का नियम होता है, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ तो नहीं पूछी है, इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा एग्जांपल है, तो जिनमें सेम टाइप की बॉन्डिंग हो, सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, वो आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ब्रोमो बेंजीन और ब्रोमो इथेन की, तो इसमें आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन हो चुकी है और ऊपर लगा दिया मैंने ब्रोमीन, और ये आपका ब्रोमोइथेन है। तो ब्रोमोइथेन कैसे बनता है आपका, CH3CH2, और यहाँ पर क्या बन गया, Br। तो इनमें ये एलिफेटिक है और ये क्या है आपका, एरोमेटिक है, दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो इसीलिए आपका ये इनकरेक्ट आंसर है। दूसरा देखते हैं, क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या है आपका, क्लोरोइथेन और क्लोरोबेंजीन क्या है, एक एलिफेटिक और दूसरा क्या है, एरोमेटिक है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है आपका, बेंजीन और इथेनॉल, ये भी नहीं है क्योंकि ये एलिफेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, डी। डी कैसे होगा इसको एक बार देखते हैं हम, डी कैसे हमने सेलेक्ट किया है इसको एक बार देखते हैं। तो एक्चुअली मेरे पास बेंजीन और टोलुइन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये अपना बेंजीन, ये अपना बेंजीन बन गया है यहाँ पर, तो अपन बेंजीन ऐसे बनाते हैं। और उसके बाद अगर मैं टोलुइन बनाने जाऊँ तो टोलुइन कैसे बनता है आपका, ये अपना बेंजीन थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन समझ जाइएगा, और इधर की साइड मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर ड्रॉ करना, ऊपर क्या लगाना है, यहाँ पर CH3, तो ये बन गया आपका टोलुइन, ये क्या है अपने पास, बेंजीन। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों ही क्या हैं अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव जिनमें बेंजीन इन्वॉल्व होती है उसे क्या बोलते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। दोनों का नेचर क्या है, यहाँ पर सेम है, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई कैटलिस्ट, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता, ये चीज़ बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि भैया यहाँ बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये घटा भी देता है, लेकिन जो आपका एक्चुअल पाथ होता है उसको ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मान के चलो ये हमारा एक्चुअल पाथ है, तो इसको ये क्या कर देता है, यहाँ से चेंज कर देता है, या तो इसको बढ़ा देगा, यहाँ से रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। अगर ग्राफ आपको ऊपर दिखता है तो रिएक्शन की रेट क्या हो चुकी है, घट चुकी है, और अगर आपका नीचे ग्राफ दिखता है तो ये रिएक्शन की रेट क्या हो चुकी है बताओ, हाँ बढ़ चुकी है। अगर कोई रिएक्शन मान के चलो विदाउट कैटलिस्ट हो रही है 20 मिनट में, और अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड ऑन कर दिया तो वो 5 मिनट के अंदर हो रही है, तो रिएक्शन की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज बढ़ रही है, रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर वो 20 के बजाय यहाँ पर आधा घंटा ले रही है, तो ये इनहिबिटर के रूप में काम करेगा, जहाँ पर आपकी रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रही है बात आपको, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, गिब्स फ्री एनर्जी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, -KNFe0E cell होता है ना। अब गिब्स फ्री एनर्जी का कोई यहाँ पर रोल ही नहीं होता है, एंथैल्पी क्या होती है, हीट होती है, हीट आपकी दो चीज़ें से, दो तरीके से यहाँ पर चेंज होती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका एंडोथर्मिक हो, और दूसरा या फिर क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक। तो आपकी यहाँ पर एंथैल्पी चेंज होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक के अंदर जो डेल्टा एच होगा आपका वो कैसा होगा, नेगेटिव, और एंडोथर्मिक के अंदर कैसा होगा, डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये तो चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा
वर्ड है, एक ऐसा टर्म है जो कैटलिस्ट का इससे कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है। स्पीड ऑफ रिएक्शन, अगर भैया आपका पाथ चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, है ना। मैंने अभी बताया इन दोनों टर्म से, और नन ऑफ दीज तो आपका हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा आपका, जो कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं होता, कौन सा, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई ऑफ गोल्ड एच आई ऑन गोल्ड सरफेस। तो इसका तो सीधा आंसर है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी एक गोल्ड का सरफेस है, कोई भी एक क्या है, गोल्ड का सरफेस है, तो हमारी एक रिएक्शन होती है एच टू प्लस के आई टू रिएक्शन की उस टू एच आई, टू एच आई। ये जो रिएक्शन होती है इसमें अगर मुझे सरफेस प्रोवाइड नहीं होगा इस रिएक्शन के लिए, अगर मुझे यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड नहीं होगा तो ये मैं कितना भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा लूँ यहाँ पे, आने के चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मैंने आपको बोला कि मेरे पास एच टू प्लस के आई टू है, रिएक्शन यूज है यहाँ पर टू एच आई। अब देखो इसकी जो ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो रिएक्शन है ये आपकी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये कैसे कर रही है इस चीज़ को देखते हैं एक बार। पहली चीज़ तो हमारे पास यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक मोल है, अगर मैं सरफेस एरिया यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूँगा गोल्ड का, तो मैं इसके 100 मोल बढ़ा दूँ, इसकी रेट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अफेक्टेड नहीं होती है, सॉरी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा, थर्ड सी, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग, सॉरी एक्चुअली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन निकालनी है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, प्लस का टू, एम एन प्लस टू के अंदर कितना भैया, जितना इसका चार्ज है इतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एम एन ओ फोर टू माइनस के अंदर निकालते हैं तो जिसको निकालना होता है एक्स, माना चार ऑक्सीजन है, एक का माइनस का टू, नेट चार्ज माइनस के टू, एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, प्लस का सिक्स। तो इसमें अंदर प्लस का सिक्स आ रहा है आपका। MnO4 माइनस के अंदर कितना आएगा, प्लस का सेवन, वो कैसे आएगा देखिए ज़रा। तो Mn जिसका निकालना है एक्स, फोर माइनस के टू, नेट चार्ज कितना माइनस के वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, प्लस के सेवन। और ये अपनी मैगनीज की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन 3D सीरीज़। अगर आप स्कैंडियम से जिंक तक की बात करोगे तो जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सभी के अंदर आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज से कहीं ज़्यादा नहीं होती है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ, बताइए, हाँ सी वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हमारे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नेट इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला बता देते हैं आपको, म्यू नेट इज इक्वल टू रूट ओवर एन एन प्लस के टू बी एम। बी एम क्या आपका, बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के अंदर यूनिट के भी आपके मार्क्स इंक्लूड किए गए हैं। अगर आप यूनिट नहीं लगा लेते हो हाफ मार्क आपका डिटेक्ट कर लेंगे। अब वो करें नहीं करें वो सेकेंडरी चीज़ है, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शंस और किस तरीके से अपने मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर सॉल्यूशन दे रखा है वो उस चीज़ के बेस पर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। हालांकि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो आपका वी टू प्लस दे रखा है, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना भैया बताओ, कितना आपका वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस का टू। अब वेनेडियम का जो अगर कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, वेनेडियम का 3D कितना होता है बताओ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 3D3 4S2 होता है, यहाँ पर 3D3 होगा जाए आपका, ठीक है। 4S के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर जा चुके हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का टू है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसके अंदर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, थ्री, क्योंकि अगर आप पेयरिंग करोगे, सॉरी फिलिंग करोगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, तो कैसे करोगे बताओ, हाँ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
सिंगल सिंगल डालेंगे यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, तो कंप्लीट हो गया। तो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 3 हैं। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नेट का, तो म्यू नेट इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट ओवर 3 3 प्लस K2 Bm। तो कितना निकल के आएगा आपका, ये 3 हो गया, 3 2 5 5 3 जा 15, तो 15 कितना आएगा आपका, 4 4 जा 16 होता है, तो 3.92 Bm के समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, 3.92 तो आ रहा है इसमें, लेकिन दूसरा का भी मुझे चेक करना है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली मैं अगर कहूँ कि जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाईएस्ट होगा या फिर लोएस्ट होगा, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आपकी एन जितनी होगी ज़्यादा, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका क्या होगा, म्यू नेट ज़्यादा होगा। तो एक बार आप अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लीजिए, सभी का आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार आपको मैं बता दूँ, आप सिंपल यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट होगा ये चीज़ ध्यान रखिए आप। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया, वो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर Cr2+। वो कैसे होगा, देखो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन V2+ के अंदर तो मैंने निकाल लिए, यहाँ पर V2+ के अंदर अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3 आए हैं, ठीक है। Ti2+ के अंदर देखूंगा मैं तो टाइटेनियम कितना होता है अपना, टाइटेनियम होता है आपका 3D2 4S2, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अगर मैं Cr2+ की बात करूँ तो Cr का कॉन्फिग्रेशन होता है आपका एक्सेप्शनल कॉन्फिग्रेशन होता है, 3D5 और 4S क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर अगर 2+ का चार्ज है तो हमारे पास Cr+2 की कंडीशन क्या बनेगी, 3D4 4S कितना, 0। ये बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं भैया, यहाँ पे अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। अभी तक सबसे ज़्यादा कौन है आपका, क्रोमियम ही है। कोबाल्ट की बात करता हूँ मैं, तो कोबाल्ट कितना होता है आपका, कोबाल्ट होता है आयरन कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने पर होता है, 27 पे, कितने पर होता है, 27। तो कोबाल्ट अगर 27 पर है तो कोबाल्ट +2 का कौन इलेक्ट्रॉन सॉरी कितना होगा आपका, 3D7 4S कितना, 0, बिकॉज यहाँ पर प्लस का 2 के चार्ज है। अगर मैं इसकी फिलिंग करने जाऊँ तो फिलिंग में आपको पता चलेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करने के बाद में जो अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, हाँ 3 होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अनपेड कितने बचे यहाँ पर, 3 ही बचे, तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। इन सभी में आपको मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपकी, Cr के अंदर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, सी। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4, ये बताना मुझे कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इस कंपाउंड के अंदर, जिसका निकालना होता है उसको एक्स मानो, और CO क्या है आपका कार्बोनिल ग्रुप है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है, ऐसे कितने, 4, और नेट चार्ज 0 दिख रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। सेवन्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक रिलेशन ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था क्लासरूम के डूरिंग भी, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर मास के, मॉलिकुलर मास के और सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही क्या होगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ये रिलेशन ध्यान रख लेना, सब कुछ आपका निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ब्रोमो मीथेन क्या होता है आपके पास, ब्रोमो मीथेन होता है CH3Br। ब्रोमो फॉर्म क्या होता है, जैसे आपका क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसी टाइप से ब्रोमो फॉर्म होता है, तो CH Br3 होता है। क्लोरोमीथेन क्या होता है आपका, क्लोरोमीथेन होता है CH3Cl, और डाई ब्रोमो मीथेन क्या होता है आपका, CH2Br2 होता है। तो इसका सभी का आपको मोलर मास फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो एक बार मोलर मास फाइंड आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, कितना आता है नहीं आता है। तो अपने पास यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना मुझे, उसके लिए मॉलिकुलर मास देखना पड़ रहा मुझे। तो एक बार मैंने निकाला है, इसका आ रहा है यहाँ पर 253, सॉरी इसका आ रहा 80, कितना आ रहा है, ब्रोमीन 80 पर होता है, रुको एक सेकेंड, ब्रोमीन 80 पर होता है, और यहाँ पर 12 प्लस K 3 क्या है, हाइड्रोजन, 12 और 3 कितनी होगी, 15 15, और 95 कितना आएगा, 95 ग्राम आ रहा है। तो CH Br3 की बात करूँ मैं, CH3 Br3, तो ब्रोमीन का 80 होता है, इतने 3 ब्रोमीन है प्लस का 1 हाइड्रोजन है, और 12 क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के, तो इसे आप निकालोगे तो कितना आएगा, 253 ग्राम। CH3Cl की बात करूँ मैं तो CH3Cl कितना आता है आपका, 12 कार्बन के 3 हाइड्रोजन के और 35.5 किसके, इसके आगे, तो ये आपका निकल के आएगा 50
0.5 ग्राम। अगर मैं CH2Br2 की बात करूँ तो 18 × 2 ब्रोमीन के हो चुके हैं, 2 हाइड्रोजन के और कार्बन का कितना 12, तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 174 आएगा आपका। ये तो सबसे ज़्यादा कौन सा, ये वाला, फिर कौन है आपका 174, फिर कौन है आपका 95, फिर कौन है आपका सबसे कम किसका होगा आपका इसका, और सबसे ज़्यादा किसका होगा ब्रोमोफॉर्म का। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ब्रोमोफॉर्म। विच ऑफ फॉलोइंग फास्टेस्ट टू रिएक्ट विद SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 मैकेनिज्म की बात करूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर की बात कर रहा है, तो SN1 की जो आपकी रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर कौन होता है 2 डिग्री, फिर कौन होता है 1 डिग्री, और फिर कौन होता है मिथाइल ग्रुप। अब ये देख लो कि कौन सा इसमें 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, और कौन सा 1 डिग्री, और कौन सा क्या है, ठीक है। बस आपको आंसर पता चल जाएगा और कुछ भी बात नहीं है। तो एक बार चेकआउट करते हैं। एक बार इसको चेकआउट करते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। करें भैया, तो अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करूं तो टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है अपने पास, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, नीचे भी आपका CH3, और इधर की साइड कौन होता है ब्रोमीन। ये आपका देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो खुद कितने कार्बन से है, 3 कार्बन से, तो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। दूसरा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है आपके पास, मैंने बनाया यहाँ पर CH3CH, इधर की साइड CH3 हो गया और यहाँ पर आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये अपने पास सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। तो इसके अंदर देखोगे आप यहाँ पर 1, 2, 3 और 1, 4, अरे वही बन गया, ये तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाते हैं, रुको एक सेकेंड, ये तो वही बन गया जो नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ से इरेज हो भाई। यहाँ पर वैलेंसी फ्री हो जाए सेकंड कार्बन पर, तो और यहाँ पर कौन लग जाए आपका ब्रोमीन, जो भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है या फिर साइड चेन है वो अटैच हो जाए। तो देखो यहाँ पर ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल की बात करते हैं, आइसोब्यूटाइल क्या होगा आपके पास, आइसोब्यूटाइल कुछ इस टाइप से होगा, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन, इधर की साइड भी आपका CH3 और इधर की साइड भी कौन, CH3। तो यहाँ पर भी क्रोमीन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने से अटैच है, 1 से, तो ये 1 डिग्री हो गया आपका, ठीक है, कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आपको पता ही होगा, ये तो सिंपल है आपका CH3, ये तो CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन, तो ये कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। तो 3 डिग्री कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा, ये वाला। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ फॉलोइंग ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कौन बनता है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे इसका आंसर है फिनोल और एसीटोन दोनों बनते हैं यहाँ पर, लेकिन कैसे बनते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो एक बार देखें क्या बोल रहा है। पहली चीज़ तो विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, मैंने यहाँ पे बनाया बेंजीन, अपन यहाँ पे बनाते हैं बेंजीन, बन जा, ये बन गया बेंजीन, बन गया। अब बेंजीन जैसे ही मैंने बनाया तो इसके ऊपर क्या लगा देना मुझे यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो CH CH3 और इधर की साइड भी कौन, CH3, ये अपने पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन है हमारे पास, तो अगर इसकी मैं रिएक्शन करता हूँ यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ O2 के संग, किसके संग करता हूँ, O2 के संग। जैसे मैंने इसकी O2 के संग रिएक्शन करी तो मेरे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी मेरे पास। दोबारा से एक बार बेंजीन बना दिया मैंने, ये बेंजीन, अरे नहीं बना तू, नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, तो इसको इरेज करते हैं एक बार यहाँ से,
डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। डिलीट करने के बाद में अब दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये सेलेक्ट नहीं हुआ एक्चुअली यहाँ से, ठीक है। ये बेंजीन बना दिया मैंने। बेंजीन बनाने के बाद में दोबारा से क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे ऊपर सी, यहाँ पर एच था ना, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, और परऑक्सी लिंकेज बना दिया। एक सी एच थ्री यहाँ पर, दूसरा सी एच थ्री यहाँ पर, बन गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ पर बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जो मेरे पास अब रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन जो मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ, वो देखो क्या बन रही है अपने पास। दोबारा से एक बार बेंजीन ड्रॉ किया ऐसे ही हूँ, और ये हमारी क्यूमीन वाली रिएक्शन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखनी है। वैसे क्लासरूम के अंदर इस मैकेनिज्म को कराया हुआ है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। यहाँ पे, यहाँ पर OH हो गया, ठीक है। बचा क्या आपके पास यहाँ पर, ये OH तो कहाँ पर अटैच हो गया, इस बेंजीन के ऊपर अटैच हो गया। बचा क्या आपके पास यहाँ पर, यहाँ पर बचा CH3। सी के संग यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, और इधर की साइड कौन होगा, CH3। ये अपने पास क्या है, एसीटोन। क्या है अपने पास, ये एसीटोन। वैसे इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसका। ये इसका कॉमन नेम है, और ये क्या है, इसका IUPAC नेम है। क्या है आपका, IUPAC नेम है। तो दोनों कंपाउंड यहाँ आपको मिल रहे हैं, आपको एसीटोन मिल रहा है, और दूसरा क्या मिल रहा है आपको पास, फिनोल भी मिल रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आपका BC वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ें भैया, हम मूव ऑन कर रहे हैं अब 10th क्वेश्चन पर, ठीक है। विच रिएजेंट इज यूज टू यील्ड पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल। पिक्रिक एसिड फिनोल से बनाने में हम किस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो बड़ी सिंपल है, अगर जिन्होंने रिएक्शन पढ़ी है तो वो तो कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दिक्कत होने नहीं देंगे हम। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने फिनोल, ये बनाया हमने फिनोल, अभी बना नहीं है फिनोल, ये फिनोल बन गया। और यहाँ पर हम रिएजेंट यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3, इस चीज़ को ध्यान रखिए आप, ठीक है, HNO3। अब HNO3 के अंदर क्या है आपका, OH नेगेटिव होता है, और NO2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। NO2 किसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या होता है आपका, यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो कैसे अटैच होगा देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे बनाया बेंजीन। अरे रुको एक सेकेंड, क्या हो रहा है तुझे, ड्रॉ नहीं हो रहा सही तरीके से। ये बेंजीन बना अपना, ठीक है, और यहाँ पे OH हो गया, कौन हो गया, OH। इधर की साइड आपका NO2, दूसरा आपका NO2 यहाँ पर, और तीसरा NO2 कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या बनता है आपका नाम, 2, 4 और 6 ट्राइब्रोमो फिनोल, ये इसका नाम बनता है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर किसका प्रयोग लिया गया हमारा, HNO3 का, और HNO3 भी क्या आपके पास कॉन्सनट्रेटेड है। मेनली हमारे पास जो रिएजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% बोल रहा हूँ, कॉन्सनट्रेटेड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। आपका आंसर कौन सा होगा, बी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े भैया, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है बेसिकली आपका, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है ना। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये क्या होता है, टू चेक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स को चेक करने के लिए। सी डबल बॉन्ड क्या होता है आपका, कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर मुख्यतः होता है, तो आपका R, यहाँ पर CH, ये OH, और यहाँ पर ये CH3, ये तो होता है किसका, एल्कोहल के लिए, ठीक है। और मेनली आपका यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप जो प्रेजेंट होता है उसी के आधार पर होता है। दूसरा आपका यहाँ पर ये एक एंटीसेप्टिक स्मेल जैसी होती है इसका, और क्या बनाता है, एक येल्लो PPT होता है, येल्लो PPT प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है।
अब देखो इथेनल क्या है आपका, एक इथेनल क्या है, इथेनल आपका एक, मैं बात करूं, सॉरी रुको रुको रुको, इथेनल की बात कर रहा है ना, तो CH3, सी डबल बॉन्ड ओ और ई एच। इसके अंदर देखो आप एक चीज़, ये कंडीशन भी है कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ के संग यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे पहले ही से ही प्रेजेंट है। अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो पहले से ही क्या है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड कार्बनल ग्रुप है और आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, तो आपका ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा एसीटोन की बात करते हैं, एसीटोन क्या होता है आपका, एसीटोन होता है आपका CH3, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर होता है CH3। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ भी है यहाँ पे, और इधर की साइड CH3 है, इधर की साइड भी CH3 है, तो आपका ये राइट होगा आपका, ये भी करेगा आपका, ठीक है। बेंजल्डेहाइड किसकी बात कर रहा है, बेंजल्डेहाइड की बात कर रहा है। तो एक बार बेंजल्डेहाइड को देखते हैं कि ये क्यों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, और ये ही नहीं देगा, क्यों नहीं देता एक बार देखते हैं, देखें एक बार, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेंजल्डेहाइड क्या होता है। बेंजल्डाइड होता है आपका ये बेंजीन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच। आप बोलोगे सर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ दे दिया, मैंने बोला कि हाँ दे दिया, सी डबल बॉन्ड ओ मिल चुका है, तो ये तो कार्बोनिल की पहचान हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब इधर भी साइड देखोगे आपका CH3 थोड़ी नहीं है, आपका ये CH3 नहीं है, तो यहाँ पर इसीलिए आपका ये क्या नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब बोलोगे सर नेक्स्ट भी तो बेंजीन है, उसके अंदर क्या दे पाएगा, जी बिल्कुल दे पाएगा, वो कैसे देखो, एसीटोफिनोन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बेंजीन, क्योंकि फिनोन के लिए मुझे यहाँ पर साइड चेन में कौन चाहिए, फिनोन चाहिए, एसीटोफिनोन, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन हो चुकी है, अब बेंजीन तो है हमारे पास, एसीटोफिनोन की बात कर रहा है, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और एसीटो के लिए मैं क्या डालता हूँ यहाँ पर, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे क्लियर कि मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ भी है और यहाँ पर CH3 भी है, इसीलिए ये आपका क्या देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो कौन सा नहीं देता आपका, जो हमने बताया पहले, कौन सा, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ की तो प्रेजेंस है यहाँ पे, लेकिन इसके पास कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए आपका ये नहीं देता है। ओके नेक्स्ट बढ़े आगे, चलो व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फ्रेडल क्राफ्ट मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, इनमें से कौन सा होगा। इसमें तो यार अजीब से दे रखे हैं सब, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक भी नहीं हो सकता, मेटा मिथाइल बेंजोइक भी नहीं हो सकता, पैरा भी नहीं हो सकता, रिएक्टिव ही नहीं होगा। अब वो रिएक्टिव कैसे नहीं होगा, बेंजोइक एसिड की बात करते हैं एक बार, बताएं इसको, समझाएं, चलो समझाते हैं। तो एक बार हम रप्पे पर लेते हैं, एक बार